वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हीरो करिश्मा 300 के बारे में। मैं ऑलरेडी इसका एक छोटा सा क्लिप में बता चुका हूँ एक वीडियो में, एंड उसी वीडियो को मैं अब आज कंटिन्यू करता हूँ कि इस गाड़ी में आपको क्या देखने को मिलते हैं, क्या रहेगी प्राइसिंग और क्या ये एक्चुअल में इंडिया में लॉन्च होने वाली है, सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हीरो जब फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुई थी करिश्मा, तो सबसे ज्यादा फेमस बाइक थी, बिकॉज इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इस गाड़ी का डिजाइन अलग था, एक अलग ही फील आती थी इस गाड़ी को देखने में, और इस कैटेगरी में कोई भी गाड़ी इस गाड़ी को टक्कर नहीं दे पाती थी जब तक पल्सर 220F लॉन्च नहीं हुई थी। जैसे ही पल्सर 220F लॉन्च हुई थी, उसके बाद करिश्मा के धीरे धीरे सेल्स रेट गिरना स्टार्ट हो गए थे, एंड धीरे धीरे इसकी जो पॉपुलरिटी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारे अपडेट किए गाड़ी में, लेकिन वैसा सफलता नहीं ला पाए जैसे पल्सर ने किया था। पल्सर ने बहुत सारे अपडेट्स किए थे, उन्होंने बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च किए थे, इंजन को अच्छे से रीट्यून करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हीरो ने क्या किया, बस डिजाइन ही चेंज करता रहा, लेकिन कोई भी ऐसा मैकेनिकली चेंज नहीं किया कि ये गाड़ी पावरफुल बने या ज्यादा अट्रैक्टिव बने, या ऐसा बोल सकते हो डिजाइन वाइज भी ऐसा कुछ था नहीं इस गाड़ी में। तो ये धीरे 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 इसने अपने सेल्स रेट और बोले तो इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम करना स्टार्ट हो चुकी थी, एंड एक समय ऐसा आने वाला था कि ये गाड़ी धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होने वाली थी। एक महीना था नवंबर 2019 या 2018 ऐसा कुछ है, जब इस गाड़ी की सेल्स थी जीरो ऑल ओवर मंथ में। तो कंपनी को तो ये लेना ही था फैसला और इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। इस गाड़ी में बहुत सारे अपडेट्स आए, हीरो करिश्मा, करिश्मा आर, देन उसके बाद ZMR थी, आई तो बहुत सारे, लेकिन जो एक्चुअल में इसका जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी गाड़ियां है इससे ज्यादा पावरफुल और इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिलती है। बात करें जो हीरो HRX से 250 जो लॉन्च होने वाली थी लेकिन अभी तक हुई नहीं, और इसको इंट्रोड्यूस कराया था 2016 या 17 में जब ऑटोएक्सपो हुआ था तब शो किया गया था, लेकिन इस गाड़ी का अभी तक तो कोई अत्य पते नहीं है। लेकिन हाँ, करिश्मा 300 एक सुना है, एक उड़ती अफवाह है कि हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसका डिज़ाइन जैसा होगा ये मैं बताता हूँ। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ऐसा डिज़ाइन की ये करिश्मा होने वाली है अपकमिंग जो आने वाली है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि एक्चुअल में ऐसा ही डिज़ाइन हो गया। लेकिन अगर ऐसा डिज़ाइन होगा, इस सारी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है, जितनी भी गाड़ियाँ है 250cc सेगमेंट में, 200cc सेगमेंट में, ये सबको रौंद के रख देगी। गाड़ी के अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो ऑल न्यू पूरा सेटअप देखने को मिलता है आपको, क्लिप ऑन हैंडल बार, देन अपसाइड डाउन फॉग, में आपको डिस्क ब्रेक बड़ा देखने को मिलता है, रियर में डिस्क ब्रेक, साइलेंसर का सेटअप ही पूरा चेंज कर दिया, फुल्ली फेयर्ड बाइक, स्प्लिट सीट, एंड इसके इंस्ट्रूमेंटेशन अगेन डिजिटल मिलेगा। जैसे कि आपको पता होता है अभी जो जनरेशन चल रहा है इसमें सारी गाड़ियाँ जो फीचर्स है वो आपको पूरे लेटेस्ट देखने को मिलते हैं, और अगर ये 300cc की बाइक होगी तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक होने वाली है। अगर इसमें 250 भी आता है तो कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी होने वाली है, लेकिन डिपेंड करता है कैसे ये गाड़ी को डेवलप करता है, क्योंकि इसकी HRX जो आने वाली थी वो भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब वो आएगी नहीं आएगी इन फ्यूचर में वो भी कोई आइडिया नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो सिर्फ ऑटोएक्सपो के लिए डिज़ाइन किया गया था, ऑन रोड के लिए नहीं किया गया था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉर पीपल्स के लिए नहीं किया गया था, वो अब शायद नहीं आएगी। उसकी जगह अगर आ सकती है तो करिश्मा आ सकती है, क्योंकि इसके डिज़ाइन में ज़्यादा कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े बहुत मॉड्यूलर चेंजेस है, एंड थोड़ा इंजन को रिट्यून करना पड़ेगा। अगर 300cc की गाड़ी होगी तो इसका जो पावर होगा ऑलमोस्ट 24 से 28 bhp का होगा, और जो टॉर्क होगा वो 22 से 24 के बीच में होने वाला है, और 6 स्पीड गियर के साथ आएगी। लेकिन इस गाड़ी का कंफर्मेशन अभी पूरा का पूरा आया नहीं है, थोड़े बहुत ही यू नो हिंट्स मिले हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ ये लॉन्च होगी। लेकिन अगर लॉन्च होती है तो इसका कंपटीशन बहुत सारी गाड़ियों के साथ होगा अभी मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी गाड़ियां हैं इस कैटेगरी में 200-300cc में, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे फीचर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे पावर के साथ प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर करिश्मा को पूरा का पूरा ओवरकम करना है तो उनको भी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा विथ मिनिमल प्राइस, देन ओनली दे गेट सक्सेस। ऐसा ही हो सकता है, अदरवाइज करिश्मा फिर से फ्लॉप की ओर जा सकती है। आई हार्ट फैन तो बहुत सारे थे जब पहले करिश्मा लॉन्च हुई थी, देन उसके बाद धीरे धीरे ये गाड़ी की पॉपुलरिटी कम हो चुकी है। अब आती है 300, तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक होगी करिश्मा से।
कुछ न्यूज़ था मेरे पास इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं अभी कंफर्मेशन नहीं है तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। एक बार कंफर्मेशन हो जाए तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट दिस बाइक स्लैक करना नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और चले तो प्लीज़ शेयर करना। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ ये इंस्टाग्राम को जो हैंडल रहना है उसको फॉलो करिए। विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन बाय एंड चाओ।